हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गाइस। और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं करवा चौथ ब्लॉग। आप लोगों में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी करवा चौथ ब्लॉग जरूर शेयर कीजिएगा। सो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करें तो मैं उसे पूरा ना करूँ, आप लोग बोले और मैं ना करूँ। उस काम को ऐसा कभी हुआ है? हालांकि नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या शॉपिंग की है, ठीक है ना। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लिया है। एंड उससे पहले आप मेरा ये सूट बताइए कि कैसा लग रहा है। इसका दुपट्टा आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा हैवी है, गोटा पट्टी वर्क वाला दुपट्टा है। एंड इस पर पॉम पॉम लगे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। एंड मेरे कैमरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना सूट दिखा देती हूँ और बताइएगा ये सूट आप लोगों को कैसा लगा। मुझे ये सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, स्पेशली ये गोटा पट्टी वर्क की वजह से। एंड कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत प्यारा है। एंड मीनाकारी इयरिंग्स में मैंने कल परचेस किए थे, ये सूट से मैचिंग का लिया। मैं सोच रही थी थोड़ा पिंक भी कुछ मिल जाए, पिंक एंड स्काई ब्लू सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं मिला। लेकिन ये भी ठीक है, अच्छे से मैच कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये। सो ये सबसे पहले ज़रूरी होता है 16 सिंगार का जो पैकेट आता है वो आप ले लीजिए। बाकी मैंने वैसे भी सारा सामान लिया है, जैसे कि आप अलग से लेते हैं ब्रांडेड, तो वो भी मैंने सब लिया है। इसमें कॉम, कंघी, सीसा, मिरर, बिंदी एंड ये नेल पेंट और सिंदूर और चूड़ियाँ सब कुछ लिया है। और ये मैंने बिछिए लिए हैं, बिछिए मैंने दो लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जो आप करवा चौथ पे बिछिए चढ़ाते हो वही आप साल भर पहन सकते हो, तो मैं हमेशा दो लेती हूँ। ये एक मैंने बड़े लिए हैं, आप देख सकते हैं ये छोटे वाले बिछिए हैं और ये बड़े वाले हैं। ये थोड़ा गोल शेप में मुझे अच्छे लग रहे थे। जब भी आप कुछ पूजा वूजा होता है, कुछ भी फेस्टिवल होता है, तो थोड़ा सा मन करता है कि बड़ा सा पहन ले, तो मेरा मन कर रहा था। और इस बार में ये जो करवा है वो मैं पीतल का लेकर आई हूँ और ये इस पर लिखा हुआ है करवा चौथ और सौभाग्यवती भाव लिखा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये डिज़ाइन, तो मैंने ये करवा लिया। और ये कैलेंडर एंड सीख हमारे यहाँ जब जल चढ़ाते हैं ना, तो आप लोग देखेंगे इस वीडियो में मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ, जब जल चढ़ाते हैं तो यूज़ होता है। एंड एक मिट्टी का दिया। सो बस यही सारा सामान। सो करवा चौथ की शॉपिंग हम लोगों की बहुत टाइम से होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये पूजा का थोड़ा सामान है, बाकी का सारा मंदिर में मैंने रख दिया है। और मैं इन सब सामानों को बस एक जगह इकट्ठा करके इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अभी मुझे क्लब हाउस जाना है सोसाइटी में, एंड वहाँ पे भी फंक्शन रखा गया है। जो पूजा होगी सब कुछ होगा वो मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। एंड मैं थोड़ा सा किचन में खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, थोड़ा खाना मैं अभी बना के जाऊँगी, बाकी का मुझे आके बनाना होगा। तो ये है मेरी किचन और मैं चला रही हूँ अब आलू बॉईल करने के लिए। आलू बॉईल करने के बाद मैं पूरी का आटा भी अभी लगा के रख दूंगी क्योंकि मुझे कथा सुनने के जाना है। तो और फिर क्या करना है मुझे, हाँ रायता मैं बना दूंगी और खीर मैं बना दूंगी बस। तो इतनी सारी चीजें मैं बना रही हूँ तो बना दूंगी। तो चलिए जल्दी से अब सबसे पहले मैं आलू बॉईल करने के लिए रख देती हूँ और खीर रख देती हूँ एक साइड होने के लिए बस। तो मैंने आधी प्रिपरेशन कर दी है खाने का और बाकी का मैं आके बनाऊंगी और मैं पूजा में जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। और आप लोग देख सकते हैं एंड मैंने कम्युनिटी टैब पे आप लोगों के साथ फोटो शेयर किया था गाइस, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, उसके लिए दिल से ही थैंक यू सो मच गाइस। एंड आप लोग बताइए, अभी भी बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है ना। अच्छा लगता है तारीफ़ सुनना, मुझे ही नहीं हर लड़की को अच्छा लगता है तारीफ़ सुनना, ठीक है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे तारीफ़ सुनना पसंद नहीं है यार, तो ये तो गलत है ना, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। एंड बताइएगा ये लहंगा कैसा लग रहा है। एंड मैं आप लोगों के साथ पूरा लुक शेयर कर रही हूँ एंड मेरे बकबकों को करने की कुछ ज़्यादा ही आदत है, सो बताइएगा। और ये जो ज्वेलरी है मैंने अमेज़ोन से ली है, अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो बता देना, मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। जो ये चौकर नेकलेस सेट है और ये जो लहंगा है इसको मैं आज सेकंड टाइम वेयर कर रही हूँ। आज से करीब 1.5 साल पहले मैंने इसे अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी में लिया था और उसके बाद आज मैं इसे दूसरी बार पहन रही हूँ। एक बार मैंने उनकी शादी में पहना है ऑब्वियसली, और आज मैं इसको दूसरी बार पहनी हूँ। लहंगे की यही खासियत होती है कि उसको हम बहुत कम पहन सकते हैं, लेकिन लहंगे की बात ही अलग होती है। पिछले बार की जो मेरी छलनी थी वो चांद देखते समय दिए से जल गई थी, हमेशा मेरे साथ यही होता है। तो ये जो लेस है ना मैं इस वाली छलनी पे लगा दूंगी, वैसे तो ये छलनी भी अच्छी है, गोल्डन कलर की है, मेरी प्लेट से मैच नहीं करी, तो बस इसीलिए मैं इससे लेस चिपका दूंगी और मैचिंग कर। तो अब मैं आ चुकी हूँ क्लब हाउस में और यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुकी है। सो अब मैं भी बैठ गई हूँ पूजा में और ये जो थाली है इसको 5 बार घुमाया जाएगा और इसको सब लोग घुमाएंगे, एक दूसरे के हाथों में इसको पासिंग की जाती है और साथ में एक गीत भी होता है जो गाया जाता है। सो गीत मुझे पूरा नहीं आता लेकिन हाँ मैं भी टोन में टोन मिला रही थी। और ये आंटी जी जो कुर्सी पे बैठी हुई हैं इनके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए बैठी हुई हैं कुर्सी पर।
भी बज रहे थे यहाँ पे शाम के 7, और सब लोग बहुत डांस मस्ती इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने यहाँ पे, लग ही नहीं रहा था कि कोई फास्ट है, एंड बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और उसके बाद अब घर पर जाना है और आधी प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आधा खाना मैं बना के आई हूँ और आधा खाना बनाना है और पूजा भी करनी है साथ में अभी। तो चलिए, जब मैं घर पे आई ना तो मैं एकदम सरप्राइज हो गई गाइस, मेरे हस्बैंड ने सारा खाना बना के डाइनिंग टेबल पे लगा रखा था। एंड मैं इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकती, मैं आपको अपना एक्साइटमेंट और खुशी नहीं बता सकती, मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई एक मिनट के लिए कि सच्ची यार बहुत अच्छा लगता है जब आपके बारे में आपका जो पार्टनर है वो इतना सोचे और इतना आपके लिए करे। तो उन्होंने सारा खाना बना के रख दिया था, एंड खीर में पहले से बॉइल, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन वहाँ पे मेरे माइंड में यही चल रहा था। और उन्होंने बताया भी नहीं कि मैं खाना बना के तैयार कर रहा हूँ, नहीं तो मैं थोड़ी देर और भी रुक जाती वहाँ पे। लेकिन मेरे दिमाग में यही टेंशन थी कि मुझे घर पे जाके खाना बनाना है, खाना बनाना है। सो इसलिए मैं ज़्यादा वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया मैंने। एंड ठीक है यार, इतना किया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बस यहाँ पर मैंने सारा जो है सामान लगा दिया है पूजा का, और सब कुछ अब मैं पूजा करूँगी, जो कथा है वो पढ़ना है, और उसके बाद चांद निकल जाएगा थोड़ी देर में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरीके के सिंगार के सामान चढ़ाए हैं इसमें। जो भगवान जी को भोग पे चढ़ाने के लिए पूड़ियाँ बनाई जाती हैं वो देसी घी में बनाई जाती हैं, और दूसरा इनमें आपको 5 या 7 या 11 पूड़ियाँ ही चढ़ानी होती है। सो आप देख सकते हैं छलनी पे मैंने लेस लगा दी है, ये पूरा डिट्टू मैचिंग का हो गया है। और इस बार करवा जो है मैंने मिट्टी का नहीं लिया है, पीतल का लिया है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये जो करवा है इस पर सौभाग्यवती भव और करवा चौथ लिखा हुआ है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने ले लिया था इसको। सो जैसे ही मेरी पूजा ख़त्म हुई उसके 6-7 मिनट बाद ही चांद निकल कर आ गया था, और ये मेरे हस्बैंड ने थाली लेकर जा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है, ये 4 बार छत पे देख कर आ चुके हैं कि चांद निकला या नहीं, चांद निकला या नहीं। मैं पूजा कर रही थी तब भी इनको शांति नहीं, बार बार बोल रहे यार अभी तक चांद नहीं निकला, अभी तक चांद नहीं निकला। मैं कह रही न्यूज़ में आ जाएगा, देख लेंगे। सो अब हम जा रहे हैं छत पर पूजा करने के लिए। और रुद्र की आदतें वही लिफ्ट में कूदने की, नाचने की, जैसे कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग जानते होंगे कि रुद्र कितना ज़्यादा नॉटी है, कितना ज़्यादा बदमाश है। तो ये हमारे चांद भाई साहब जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं करवा चौथ के दिन, लेकिन ठीक है चलता है, इतना ज़्यादा खुशी दे के जाते हैं, सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे के जाते हैं, और क्या चाहिए। सो एक दिया मैं नीचे से जला के लाई थी क्योंकि उसके ऊपर ढक्कन है, कैप लगा हुआ है, तो वो दिया बुझता नहीं है। दूसरा दिया मैं यहीं पर जला रही हूँ क्योंकि पूजा में दिया का बुझना ठीक नहीं माना जाता है, तो इसलिए मैं ये दिया यहीं पे चला रही हूँ। अब हम पूजा कर लेंगे। तो अब हमारा पूरा व्रत संपन्न हुआ, और अब ये मीठा खिला कर मेरा व्रत तोड़ेंगे। वैसे तो मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ पानी पे है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पानी की नीड लग रही है। मैं इनसे कह रही हूँ यार पानी दो जल्दी से। तो अभी जैसे ही मुझे पानी देंगे ना, मैं एक गिलास पानी एक सांस में ही पी जाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी, ऐसा लग रहा था कि गला सूखा जा रहा है और सर फटा जा रहा था, और मैं कहूँगी लाओ पैर भी छू लेती हूँ आपके, कभी कभी तो मौका मिलता है। तो अब हम लोग करेंगे डिनर, और आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ पे मैं सबकी प्लेट में खाना निकाल रही हूँ, और रुद्र को भी अलग से प्लेट में खाना चाहिए होता है, वो हमारे प्लेट में नहीं खाता है, उसको भी अपनी अलग से प्लेट कटोरी में सब चाहिए होती है, बहुत तकड़े हैं उसके। और आई नो आप लोगों की नज़र किचन में जा रही होगी, तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी है क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मेरे हस्बैंड ने खाना बनाया है आज, और हस्बैंड जब खाना बनाते हैं तो किचन की क्या हालत होती है वो आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड ने आज के दिन इतनी हेल्प की मेरी कि उन्होंने खाना बनाया मेरे लिए और सबके लिए। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और किचन में बाद में साफ़ कर दूँगी, किचन साफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने खाना आज तैयार किया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ा देती हैं, आपको पता नहीं चलता। और इन्होंने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, और अभी यहाँ पे अपने ही खाने की तारीफ कर रहे हैं, वाह क्या मैंने खाना बनाया है, क्या कितना टेस्टी लग रहा है, कितना ये कितना वो। मैंने कहा ठीक है यार कर लो तारीफ, कितनी करनी है आपको।
सरू तो यहाँ पे मेरी कुर्सी पे बैठ गया और हट नहीं रहा है, मैं उसे हटाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं भी जिद्दी हूँ, ये भी जिद्दी, हम दोनों एक जैसे ही हैं। सो इसके पापा हम दोनों से परेशान हो जाते हैं। और बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ डिनर कर लीजिए, ओके, लव यू।